आगरा का एक ऐसा मंच जो युवाओं को दे रहा है अपनी पहचान बनाने का मौका, जिस मंच के जरिए युवाओं ने अपने दिल की बात कह हजारों लोगों का दिल जीता, अपने दिल की आवाज़ को लोगों तक पहुंचा, अपनी बात कही, तो वहीं करियर बनाने का अवसर भी यह मंच दे रहा है। टेलीविज़न ओपन माइक, एक ऐसा मंच जो अनमोल जैसे कई युवाओं को अवसर दे रहा है शायरी गज़ल के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करने का। अनमोल बताते हैं कहीं कि पे यह शाम मंच उन्हें ढलती दो है कहीं पे रात होती है, कि कहीं पे शाम ढलती है कहीं पे रात होती है, अकेले गुमसुम रहते हैं ना किसी से बात होती है। कि कहीं पे शाम ढलती है कहीं पे रात होती है, अकेले गुमसुम रहते हैं ना किसी से बात होती है। और तुमसे मिलने की आरजू ये दिल बहलने नहीं देती, कि तुमसे मिलने की आरजू ये दिल बहलने नहीं देती, तन्हाई में आंखों से रुक रुक के बरसात होती है। अनमोल शान। अनमोल क्या करते हो आप? मैं कहानियाँ लिखता हूँ, गज़लों को अभी सीख रहा हूँ। और किस तरह की कहानी लिखते हो? मैं हर तरीके की कहानी लिखता हूँ, पॉडकास्ट्स रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे आगरा में आप अपना एक शो चलाते हो, जी माइक। जी क्या है ये शो, क्या है कुछ? ये TV ओपन माइक है, इसके थ्रू हम जितने भी आगरा के आर्टिस्ट हैं उनको आगे लेके जाना चाहते हैं, कि जिस तरीके से वो अपना इस फील्ड में जो फ्यूचर सोचते हैं उस फ्यूचर को आगे ले जाना, उनको किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अपने थ्रू, जिस तरीके के भी। तो हम उस आर्टिस्ट लाइन को, उस मंच को काफ़ी आगे लेके जाना चाहते हैं, आगरा का नाम एक आगे लेके जाना चाहते हैं। ये जो TV ओपन माइक है ये 2018 में स्टार्ट हुआ था, जो मेरे सर हैं उन्होंने स्टार्ट किया था, मैं इससे 2020 में जुड़ा, और मेरा भी लिखना ही तकरीबन 2018 से ही शुरू हुआ था, बट जो मेरा पहला शो था वो 20 दिसंबर 2020 को था। उसके बाद से फिर मैं इस फील्ड में आया, अपना एक हरफे दिलकश ओपन किया, हरफे दिलकश ओपन करने के बाद TV ओपन माइक से जुड़ा, एंड उसके बाद आज मुझे 2 साल करीब होने को आया, और काफ़ी अच्छी मेरी जर्नी है। इतने फॉलोवर्स होंगे आपके? मेरे ज़्यादा नहीं, मतलब मेरे क्या है ना कि शायरों के इतने फॉलोअर्स नहीं होते, बट जितने होते हैं अभी लमसम 2000 करीब हैं मेरे फॉलोअर्स। पढ़ाई में क्या करते हो? मैंने ITI करी हुई है, पॉलिटेक्निक करी हुई है, और आने वाले टाइम में भी कुछ ना कुछ अभी सोच रहा हूँ करने की, तो वो भी जल्दी करूँगा। मैसेज क्या देना चाहते हो आप? मैसेज ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस इतना मैसेज देना चाहूँगा कि जितने लोग इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उन चीज़ों को सही तरीके से अपने साथ लेके आएँ, अगर कोई परेशानी है तो हमसे जुड़ें, और एक अपने आप को स्टेबल करने की सोचें इस फील्ड में, अगर सामने वाले के पास। मैम लिखने की कई कहानियाँ होती हैं, कोई मतलब एक लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, कुछ पास्ट था, कुछ अलग चीज़ें थी, तो जिस तरीके से लिखना शुरू किया, बट सुनाना 2020 में शुरू किया, लिखते बहुत टाइम पहले से थे। 2020 में मिला। अनमोल ने पॉलिटेक्निक ITI किया है, शायरी लिखना उन्हें उनके हालातों ने सिखा दिया, और टेलीविज़न ओपन माइक ने उन्हें, आज अनमोल के हज़ारों फैंस हैं। अनमोल बताते हैं कि इस मंच ने उन्हें मौका दिया है आगरा को रिप्रेजेंट करने का, और वह चाहते हैं कि उनके जैसे कई युवाओं को मौका मिले और वह भी आगे।